नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो भैया दीदी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। तो यहाँ सभी बच्चे खड़े हैं। मामा मोती, तो अंजलि पॉलीथीन ली है दोस्तों, और आज मैं वीडियो बनाई थी और वो डिलीट हो गया है, तो इसीलिए मैं खाना का वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो अगले वीडियो में आप सबको बना के दिखाऊंगी। और तो थोड़ा सोची कि मैं आप सबको अपने यहाँ गांव का लोकेशन दिखा दूँ, और ऐसे में वीडियो भी बन जाएगा और आप सब तक वीडियो भी पहुँच जाएगा। और तो दोस्तों चलते हैं, दिखाते हैं आप सबको। और पानी बरस रहा है दोस्तों, ये देखिए किस तरह मौसम हुआ है। बाकी अंधेरा आता होगा थोड़ा, तो ये देखिए धूप नहीं निकल रहा है इस समय। तो बच्चा मम्मी देखिए दोस्तों, और बादल खूब घेरे हुए हैं। तो दोस्तों ये देखिए कितना पानी से, मतलब ये पेड़ पौधा किस तरह हो गया है। हमारे यहाँ बारिश भी खूब हो रहा है, बहुत बारिश हो रही है। तो मैं चलती हूँ, आप सबको दिखाती हूँ। और देखिए ये कच्ची सड़क, तो ये देखिए दोस्तों हम काले माई थाने आ गए हैं। ये देखिए दोस्तों हम मंदिर के पास आ गए हैं। यहाँ पर बहुत पानी भरा हुआ है, वहाँ पर मम्मी है। तो दोस्तों यहाँ मैं माता के मंदिर आ गई हूँ, तो थोड़ा आप सबको दर्शन भी करा देती हूँ। और दोस्तों ये सुबह का टाइम नहीं है, मैं वीडियो जब बना रही थी थोड़ा शाम हो गया है, जब वीडियो एडिटिंग करने लगी तो आया ही नहीं, तो मैं माता के द्वार पर चली आई हूँ। और यहाँ पर मम्मी आ रही हैं। तो ये देख, ये केला का पौधा है छोटा छोटा सा, तो नदी ले आओ चंदन दिखा दो। तो दोस्तों अब की बार हमारे यहाँ का किसान सभी लोग केला का खेती कर रहे हैं, ये देखिए। और ये केला का पौधा है, तो हम सब उठाए थे थंबनेल बनाने के लिए। तो ये देखिए कितना छोटा छोटा सा है, नजदीक से दिखा दो चंदन। तो ये देखिए दोस्तों इतना छोटा छोटा सा है, तो पॉलीथीन में ये लगा हुआ है और इसको निकाल देंगे, मिट्टी में लगा देंगे। दोस्तों ये केला का पौधा है, जो हरी छाल इसको बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वही है। एक देसी केला का पौधा आता है, लेकिन ये देसी वाला नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह है पौधा, तो करीब ये 50 पेड़ होगा, तो यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये हमारे यहाँ नहीं बैठेगा। तो दोस्तों ये हमारे घर, मतलब हमारे नहीं बैठेगा, ये सालू के घर, जो सालू आती है छोटी सी बच्ची है, मतलब खेत में ये बैठेगा। तो यहाँ पर रखा हुआ है और मैं दिखा दिया सबको। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारे गांव का कुछ इस तरह लोकेशन है। ये देखिए पानी बारिश से चारों तरफ पेड़ पौधा हरियाली दिख रहा है। तो दोस्तों हम सब चलते हैं अब घर पे। तो यहाँ शीतल गुंजन साथ में आ रही हैं, और बस थोड़ा सा वीडियो आज हो गया, आज मेरा खाना का वीडियो नहीं गया दोस्तों, तो इसके लिए माफ करना। तो दोस्तों ये देखिए मैं लकड़ी सही से रख दी हूँ, और ये एक लकड़ी यहाँ पर उसको धसा दिए हैं जमीन में, एक यहाँ पर। और दोस्तों और लकड़ी रखने में बहुत अच्छा हो गया, नहीं तो फैला हुआ था। और ये देखिए चंदन के पापा काट के लाए हैं, झुआ भी देंगे, टोकरी जिसे कहते हैं सब्जी रखने वाला। तो मेरा टोकरी खराब हो गया है, तो अब की बार ये बोले कि नया वाला बना देते हैं। तो लकड़ी ये देखिए इसी का बनता है, तो ये सब्जी रखने वाला।
बनाएंगे। तो हमारा वो वाला झुबुआ जो था टोकरी खराब हो गया है, तो इसको चलते हैं रख देते हैं। और लकड़ी तो मैं दिखा दी पहले ही, खूब अच्छी तरह से रखा हुआ है। और यहाँ अंजलि को देखिए, यहाँ बैठी है। कपड़ा मैं यहाँ बारिश होने लगता है तो यहाँ धुल के फैला देती हूँ, ये देखिए। और दोस्तों यहाँ हमारा मिट्टी का चूल्हा, ये देखिए। तो मैं रेसिपी बनाकर वीडियो शूट करके रखी थी दोस्तों, और फिर उसके बाद में लिपाई भी कर दी और वो वीडियो जा भी नहीं पाया। तो और शाम भी हो गया दोस्तों, हमें पता था कि मैं सुबह वीडियो शूट की हूँ दोपहर के टाइम, जब शाम को एडिटिंग करने लगी तो पता चला कि कैमरा में है ही नहीं, तो इसीलिए बनाना पड़ा दोस्तों। अंजलि के देखिए किस तरह पॉलीथीन फुला रही हैं बैलून की तरह। तो चलती हूँ मैं, दिखाती हूँ आप सबको उधर साइड। तो दोस्तों ये देखिए, हमारे यहाँ अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, ये फरता है और पका भी बहुत था। ये देखिए अंजलि गुंजन सब तोड़ के गिराई हुई हैं। तो वैसे तो हम तोड़ नहीं पाते हैं दोस्तों, ये बच्चे कभी कभी छिप कर चढ़ जाते हैं, मैं चढ़ने नहीं देती हूँ। तो अभी तो इस समय पानी बरसा हुआ है, तो नहीं तो मैं तोड़ के दिखाती। ये सब बाकी अमरूद को तोड़ दिए हैं, थोड़ा बचा हुआ है ऊपर के साइड में। तो हमारे घर के, ये देखिए घर के पास ही है ये। और आप सब बोलते हो कि यहाँ पौधा लगाइए, तो मैं पौधा लगाई हूँ दोस्तों। थोड़ा यहाँ कूड़ा हो गया है, ये देखिए सफाई तो की थी मैं, लेकिन पत्तल दो तीन रखा हुआ है। तो यहाँ अमरूद का पेड़ अभी जल्दी से लगाई हूँ, देख लीजिए इतना बड़ा अमरूद का पेड़ हो रहा है। इधर है करी पत्ता, गुलाब, अड़हल, यही सब है दोस्तों। तो यहाँ लगा रही हूँ। और बात रही इधर का लगाने का दोस्तों, पौधा इसलिए नहीं लगा रही हूँ कि यहाँ हम घर बनवाएंगे, तो हो सकता है कभी भी 2 साल में 3-4 साल में या कभी बनेगा, तो यहाँ पर अगर पेड़ रहेगा तो कटाना पड़ेगा उसको। तो इसीलिए मैं यहाँ पौधा नहीं लगा रही हूँ, कि वैसे पौधा लगाने से क्या फायदा जो बीच में कट जाएगा, और जो पौधा वहाँ साइड लगाए हैं तो वो वहीं पे पड़ा रहेगा। तो दोस्तों आप सबको ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और वैसे मैं एक ही तरह का वीडियो बनाती हूँ, तो सोचा कि थोड़ा आज अलग ही हो जाएगा। वैसे मैं रेसिपी बनाई थी दोस्तों बहुत अच्छी सी, लेकिन अगले वीडियो में बनाकर दिखाऊंगी, तो वो नहीं जा पाया, तो इसके लिए माफ करना, उसमें हमारी गलती नहीं है दोस्तों। काट रही थी और वो बिना अनजाने में कट गया, तो क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हाँ टाटा।